Now students, you see how we write in expanded form and in short form. Suppose a number is given 13791. Okay? अगर ये नंबर गिवन है इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है तो हम एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखेंगे बच्चों? सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कितने डिजिट नंबर है, दैट इज 3, 4, 5 डिजिट नंबर है. इट मीन्स इट विल बी स्टार्टेड कहाँ से शुरू होएगा ये 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट है. 10,000 4 डिजिट होता है तो हमने बताया था कहाँ से शुरू होगा, 1000 से. 5 डिजिट है इट मीन्स इट स्टार्ट फ्रॉम 10,000. तो वी राइट 1 + 1 देन हाउ मेनी जीरोस, उसके बाद कितने डिजिट रह जाएंगे, 4 डिजिट. तो वी राइट 4 0 1, 2, 3, 4 क्लियर. देन प्लस, फिर हमें को प्लस साइन लगाना होता है. देन राइट द नेक्स्ट नंबर, फिर हमने नेक्स्ट नंबर लिखा. अब उसके बाद कितने डिजिट है बेटा, यहाँ पर 3 डिजिट है तो कितने जीरो आएंगे आपके, 3 0. देन अगेन यू राइट द प्लस साइन, आप अपने 7 लिखा. अब 7 के बाद कितने डिजिट है बेटा, 2 डिजिट है तो कितने जीरो आ जाएंगे यहाँ पे, 2 0. उसके बाद हमने 7 के बाद नेक्स्ट डिजिट क्या है हमारा, 9. फिर हमने 9 लिखा और उसके बाद में कितने डिजिट है यहाँ पर, ओनली 1, तो 1 0 हो जाएगा. देन प्लस, फिर सिंगल डिजिट है तो यू राइट दिस सिंगल डिजिट. तो दिस इन दिस वे, अगर हम इस तरीके से लिखते हैं तो ये कौन सा वे होता है, दैट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म. अब बच्चों आपको समझ में आया एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखते हैं. एक्सपेंडेड फॉर्म को लिखते वक्त हमेशा बीच में हम प्लस साइन लगाते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि वो कहाँ से शुरू हो रहा है ना, उसकी बेस क्या है. उसके बाद जितने भी डिजिट हैं उतने जीरो लगा देते हैं, फिर नेक्स्ट के लिए नेक्स्ट डिजिट लिखते हैं, फिर उसके बाद जितनी डिजिट है उतने जीरो आ जाएंगे. लेकिन हर प्लेस पे की डिजिट होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि जैसे सपोज मैंने यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखी तो आपको क्लियर हो जाएगा 1, 0, 3, 2, 4 क्लियर. अब इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है तो हम लिखेंगे 1, उसके बाद में इधर कितने जीरो, कितनी डिजिट्स है, 4 डिजिट, 1, 2, 3, 4. तो 1 के बाद कितने जीरो लगा देंगे हम, 4. देन प्लस साइन, फिर 0 है. अब 0 के बाद आप 3 0 लगाएं तो भी उसकी वैल्यू वही होगी 0, इसलिए हम सिर्फ सिंगल 0 से इसको मेंशन कर सकते हैं. फिर हमने नेक्स्ट डिजिट देखी कौन सी है, 3. उसके बाद कितने डिजिट रह गए, 2. तो कितने जीरो आ जाएंगे, 2 0. देन प्लस, देन 2. उसके बाद एक डिजिट है यहाँ पे सिंगल 0 आ गया, देन प्लस 4. तो इस तरीके से दिस लिखते हैं, वो फॉर्म होती है एक्सपेंडेड फॉर्म. अब बच्चों शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इस तरीके से दिया हुआ होता है एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो उसकी हमें क्या बनानी है, शॉर्ट फॉर्म. तो हम इस तरीके से लिखेंगे. अब जब एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन होती है उससे हमें शॉर्ट फॉर्म बनानी है, तो बच्चों आपको ये देखना है कि यहाँ पे सबसे पहले डिजिट कौन सी आ रही है, 1. तो हमने 1 लिखा. उसके बाद कितने जीरो आ रहे हैं, दैट इज द 4 0. तो 4 0 के बाद में हमारे कितने जीरो आने चाहिए, 3. तो उसके बाद वाली देखिए 3 0 आ रहे हैं, उससे पहले क्या डिजिट है, 3. तो हमने 3 लिख दिया. फिर हमने देखा 3 0 के बाद कौन सा सीक्वेंस है, दैट इज 2 0. तो 2 0 ये उसकी अगली डिजिट क्या है, दैट इज 7. तो हमने 7 लिख दिया. फिर हमने देखा सिंगल डिजिट, सिंगल 0 है इसमें, तो उसके आगे की डिजिट क्या है, 9. तो 9 आ गया. फिर सिंगल डिजिट दैट इज 1, इसके साथ कोई 0 नहीं आता, सिंगल 1 स्पेस पर वही डिजिट सर पाती. तो उसकी ये फॉर्म जो है एक्सपेंडेड फॉर्म है, इससे हमने इस तरीके से लिखा हो इसकी शॉर्ट फॉर्म होगी. तो हमें किसी भी तरीके से आ सकता है बच्चों, एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है तो शॉर्ट फॉर्म पूछा जाएगा, शॉर्ट फॉर्म गिवन है तो एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने को आएगी. अब कई बार होता है कि जैसे सपोज आई गिव वन एग्जाम्पल टू यू, एक्सपेंडेड फॉर्म का एग्जाम्पल लेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म इज गिवन टू यू एंड यू राइट इन शॉर्ट फॉर्म, क्लियर. एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है उसकी आपको शॉर्ट फॉर्म बनानी है, तो आप क्या
1000 प्लस 10 प्लस 2, क्लियर? ये एक्सपेंडेड है। अब हमने बताया था सबसे मैक्सिमम यहाँ पे देखा 3 जीरोस हैं, इसके आगे की डिजिट 1 है तो हमने 1 लिखा। उसके बाद क्या होना चाहिए, 3 जीरोस के बाद में 2 जीरो आना चाहिए, यहाँ पे कहीं भी 2 जीरो वाले नहीं है तो डिजिट, तो इसका मतलब उस जगह पे हम क्या लिख देंगे, 0। ठीक है, वो वाली प्लेस है ही नहीं इसलिए हमने इसकी जगह 0 मेंशन कर दी। अब उसके बाद 2 जीरो के बाद में कौन सी आनी चाहिए, 1 जीरो, और 1 जीरो है इसके आगे की डिजिट क्या है, 1, तो हमने 1 लिख दिया। फिर सिंगल डिजिट आना चाहिए, 1 जीरो के बाद में सिंगल डिजिट ही होगी, कोई जीरो नहीं आएगा, 3। तो इसकी 1013। हाउ यू रीड दिस, 1013। अब यहाँ देखिए ये 100 प्लेस नहीं थी, 1 प्लेस है, 1 प्लेस पर आ गई डिजिट, 10 प्लेस है, 10 प्लेस की डिजिट आ गई, 100 प्लेस हमारे पास नहीं है तो 100 प्लेस की डिजिट हमने क्या लिखी, 0, और 1000 प्लेस है, दैट इज द 1। हम चेक कर सकते हैं क्योंकि कितनी डिजिट होनी चाहिए 1000 में, 4 डिजिट, और जब हम इसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 तो ये पूरी 4 हो रही है। इट मीन्स हमारी जो एक्सपेंडेड फॉर्म से हमने जो शॉर्ट फॉर्म लिखा है वो बिल्कुल करेक्ट है। नाउ स्टूडेंट्स द नेक्स्ट वन इज कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। हम दो नंबर्स का कंपैरिजन कैसे करते हैं ये आपको बताएंगे। अब कंपैरिजन ऑफ नंबर्स में ये है जैसे 2 3 4 5, क्लियर, और एक नंबर है 2 5 3 8। अब इसमें हम सबसे पहले काउंट करेंगे कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, 4 नंबर ऑफ डिजिट है इधर भी, और 1 2 3 4 इधर भी 4 नंबर ऑफ डिजिट्स है। अब आप क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले जो 1000 प्लेस मीन्स 4 नंबर ऑफ डिजिट, इट मीन्स इट स्टार्टेड फ्रॉम 1000 प्लेस, 1000 प्लेस से शुरू होगी, तो 2 जो है 1000 प्लेस पर है और यहाँ पे भी 2 1000 प्लेस पर है, दोनों सेम नंबर है तो हम बता नहीं सकते कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, तो हम नेक्स्ट नंबर पे आएंगे, दैट इज 3। यहाँ 3 है और यहाँ 5 है, तो अब हम इजीली पता कर सकते हैं कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, तो मीन्स 23, दिस नंबर इज स्मॉलर, दिस नंबर इज ग्रेटर, ये बड़ा होगा इससे तो इस टाइम यहाँ पे साइन। इसी तरीके से बच्चों अगर इसमें 1000 प्लेस भी सेम है, 100 प्लेस भी सेम है दोनों तरफ, 10 प्लेस भी सेम है दोनों तरफ, तो हम 1 प्लेस वाली से कंपेयर करेंगे और बताएंगे कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। अगर चारों ही डिजिट सेम है दोनों साइन तो हम कौन सा साइन लगाते हैं उसके लिए, दिस साइन इज इक्वल्स टू, क्लियर। और कई बार बड़ा नंबर इस साइड भी हो सकता है, छोटा नंबर उस साइड होता है, तो हमेशा ये जो ओपन माउथ होता है वो बड़े नंबर की तरफ आता है। नाउ क्लियर, नाउ द नेक्स्ट इज सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। अब जो सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर क्या डिफरेंस है, सक्सेसर मीन्स प्लस वन, जो भी गिवन नंबर होते हैं उसके बाद वाला नंबर हम लिखते हैं, एंड प्रीडिसेसर मीन्स माइनस वन, मीन्स जो गिवन नंबर है उसके जस्ट बिफोर वाला पहले वाला नंबर लिखा जाता है। जैसे सपोज वन एग्जांपल आई यू दैट इज 2 3 8 5, क्लियर, इसका हमें क्या लिखना है, फाइंड आउट करना है सक्सेसर, तो इसका सक्सेसर क्या हो जाएगा बच्चों, 2 3 8 6, क्योंकि 85 के बाद क्या आता है 86, तो आगे के लिए सेम रहेंगी, दैट इज 2 3 8 6, बस 1 प्लेस वाली डिजिट जो है वो चेंज जाएगी क्योंकि यहाँ प्लस 1 करते हैं। सपोज ये होता 2 3 8 9, तो 89, तो क्या हो जाता बेटा ये 90, इसलिए यहाँ पे 10 वाली प्लेस में चेंज आएगा क्योंकि प्लस 1 करेंगे और 9 में प्लस 1 करते हैं तो क्या होता है 10, तो उसका 0 और 1 कैरी जो है वो नेक्स्ट उस पे जाता है। ठीक है, क्लियर, नाउ द प्रीडिसेसर। अब हम प्रीडिसेसर की बात करें तो 2 8 8 5, इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, प्रीडिसेसर, तो प्रीडिसेसर के लिए हम क्या करते हैं माइनस 1 बिफोर वाला, तो क्या हो जाएगा 2 8 8 4, और 2 8 8 7, इसका क्या हो जाएगा 2 8 8
अब आपको बच्चों एक वन मोर एग्जाम्पल आई विल डू द प्रीडिसेसर दैट इज 2890. अब इसका प्रीडिसेसर निकालना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ माइनस वन कर देंगे, 10 माइनस 1 दैट इज 9. एंड इधर से अपने बारो किया था तो यहाँ क्या हो जाएगा 8. एंड 8 2889 इसका प्रीडिसेसर आएगा. नाउ क्लियर, द नेक्स्ट इज the ascending and descending order. अब बच्चों ascending and descending order में क्या करते हैं, आपको हमने बताया था ascending means smaller to greater and descending means greater to smaller. ascending में क्या करते हैं, smaller to greater रेंज करते हैं numbers को, और descending में greater to smaller रेंज करते हैं. clear? जब हमने कंपैरिजन आपको अभी बताया था सक्सेसर प्रेडिसेसर से पहले, उसमें बताया था कि हम नंबर्स कैसे चूज करते हैं. तो सेम वन एग्जांपल आई गिव यू नाउ, ऑल ऑफ यू सी ये एग्जांपल दे रही हूँ, इसको आप देखिए तो आपको क्लियर हो जाएगा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग. कोई भी एक ऑर्डर आ गया तो हम दूसरे ऑर्डर को इजीली कर सकते हैं. वैसे सपोज हियर 1 2 3 4 1 1 2 0 1 3 8 5 1 6 1 0. क्लियर, ये हमें नंबर दिया. अब इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, असेंडिंग ऑर्डर. तो हम असेंडिंग ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका, सबसे पहले इसमें देखेंगे कि नंबर ऑफ डिजिट कितनी है. हमें सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट काउंट करनी पड़ती है. कई बार होता है कि सब में 4 नंबर ऑफ डिजिट है और एक ऐसा नंबर दे दिया जिसमें 3 नंबर ही है, तो सबसे छोटा 3 नंबर ऑफ डिजिट वाला हो जाएगा. इसी तरीके से इसलिए सबसे पहले जब कंपैरिजन ऑफ नंबर्स की बात करें या असेंडिंग डिसेंडिंग की बात करें तो हम सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट काउंट करते हैं. अब यहाँ पे हमने देखा सब में हमारा 4 नंबर ऑफ डिजिट है. अब हम देखेंगे कि सब 1000 प्लेस पर सब में कौन सी डिजिट है. यहाँ देखा 1000 प्लेस में सारा डिजिट 1 है, सब सेम है. अब हम नेक्स्ट डिजिट पे हैं, मींस कि 100 प्लेस वाली डिजिट. अब 100 प्लेस पे हमने देखा यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है और यहाँ 6 है. तो सबसे स्मॉलर कौन सा हो जाएगा इसमें 2 1 3 6 में 1 स्मॉलर होगा. इट मींस ये वाला जो नंबर है वो सबसे छोटा होगा, इसलिए हमने सबसे पहले इसको लिख दिया 1120. अब इसकी बाद वाला 2 वाला होगा तो हमने लिखा 1234. उसके बाद हमारा ये वाला आ गया तो हमने लिखा 1385. फिर सबसे लास्ट में आएगा 1610. तो ये जो ऑर्डर था ये आपका असेंडिंग ऑर्डर है. और हमने किस तरीके से देखा ये अभी आपको बताया. इसी तरीके से बच्चों डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में ग्रेटर टू स्मॉलेस्ट, ग्रेटर टू स्मॉलर नंबर्स को अरेंज करते हैं. तो सबसे ग्रेटर देखते हैं. जब हमने असेंडिंग निकाल लिया तो यहां से देखा इसमें सबसे ग्रेटर कौन सा है, ये वाला नंबर. तो 1618 मैं इसी नंबर का डिसेंडिंग ऑर्डर भी बता. तो सबसे पहले हमने ये ले लिया, फिर उसके बाद ये वाला हो गया 1385. फिर हमने ये आंसर लिया 1234 और उसके बाद नेक्स्ट सबसे छोटा 1120. तो आपको ये क्लियर हुआ कि डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं बच्चों, ग्रेटर टू स्मॉलर. सबसे पहले हम सबसे बिगर नंबर लेते हैं, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरीके से चलते हैं. और असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, इस तरीके से हम नंबर्स को अरेंज करते हैं. ऑल ऑफ यू क्लियर दिस? नाउ स्टूडेंट्स द नेक्स्ट इज दैट इज द फॉर्मिंग नंबर्स. नाउ हाउ यू फॉर्म द नंबर्स. अब जैसे आपको ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है और स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है, तो आप कैसे फॉर्म करेंगे, फॉर्मिंग नंबर्स. अब फॉर्मिंग नंबर्स में हम जैसे एक एग्जांपल देते हैं. एक एग्जांपल मैंने लिया, यहां पे डिफरेंट डिजिट्स दे रखी हैं आपको, 1 2 3 6 8.
अब आप देखिए कितने डिजिट्स दे रखी हैं आपको, 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट्स दे रखी हैं। अब आपको ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है। अब ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करने के लिए आप क्या करेंगे, और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करनी है आपको, 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है। तो सबसे पहले इन डिजिट में सबसे बड़ी डिजिट देखेंगे। सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है, 8, हमने 8 लिख लिया। अब उससे छोटी वाली कौन सी है, 6। 6 से छोटी कौन सी आ रही है, 3। 3 से छोटी 2, 2 से छोटी 1। तो ये हमने हमारा ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म हो गया। और इसके बीच में हम कहीं भी हर डिजिट के बाद कॉमा नहीं लगाएंगे, क्लियर। नाउ द स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करते वक्त बच्चों हम सबसे पहले छोटी डिजिट लेंगे, दैट इज 1, फिर उससे थोड़ी सी बड़ी, फिर उससे थोड़ी बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। तो इस तरीके से हमारा स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म हो जाता है, 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। अब बेटा अगर नेक्स्ट एग्जांपल करता हूँ जिसमें हमारा को डिजिट दिए, सपोज 0 दिया है, यहाँ पे हमारा 0 दिया है, ठीक है। अब हमको ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है, तब हम कैसे करेंगे, 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है। तो ग्रेटेस्ट के लिए वही, सबसे पहले हम ग्रेटर नंबर लेंगे, फिर उसके बाद वाला, फिर उससे बाहर। फिर हमने क्या किया, अब हम देखेंगे कि 3 के बाद ग्रेटर मीन्स किससे छोटा, सबसे पहले तो ग्रेटेस्ट ले लिया, अब उससे छोटा कौन सा है, 6, फिर उससे छोटा कौन सा है, 3, फिर 3 से छोटा कौन सा आ रहा है इसमें, 1, और 1 से छोटा कौन सा आएगा, 0। तो ये ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म हो गया जब हमें 0 की बने। ग्रेटेस्ट नंबर में 0 हमेशा लास्ट में आता है। अब हम स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करेंगे, तो स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करते वक्त बेटा कभी भी पहले 0 नहीं आता। कई बच्चे 0 पहले लिखते हैं, डेट इज रॉन्ग। 0 अगर आपने पहले लिख दिया तो वो 4 डिजिट नंबर ही रह जाता है, क्योंकि किसी भी नंबर के पहले आगे अगर हम कोई भी 0 लगाते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। जैसे 0 और 2 है, इट मीन्स 2, आगे इसके 2 के आगे 0 आ रहा है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन पीछे जब 0 लगता है इसकी वैल्यू होती है, 20 की वैल्यू है, और 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी, 0 का कोई मतलब नहीं, क्लियर। इसीलिए हम बेटा 0 पहले नहीं लिखते हैं। अब सबसे 0 के बाद जो उससे थोड़ा सा ग्रेटर है वो नंबर लिखते हैं। तो 0 के बाद जस्ट कौन सा आ रहा है हमारा, स्मॉलर नंबर। 0 तो सबसे स्मॉलर था, पर लेकिन 0 के बाद सेकंड जो स्मॉलर नंबर है वो कौन सा है इन डिजिट्स में से, 1, तो हमने 1 ले लिया, और 0 हम सेकंड प्लेस पर लगाएंगे। हमेशा जब स्मॉलेस्ट डिजिट फॉर्म करते हैं बच्चों तो 0 सेकंड प्लेस पर आता है। उसके बाद हम 3, फिर 6, फिर 8, तो ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म। और ग्रेटेस्ट नंबर में 0 बाद में आता है, स्मॉलेस्ट नंबर में 0 सेकंड प्लेस पर आता है। अब बच्चों आपको जो एक्सरसाइज में इससे बेस्ड क्वेश्चंस हैं उसको अच्छी तरीके से रिवाइज्ड करने, सॉल्व करने रफ कॉपी में, और कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ सकते हैं। कल हम इन्हीं टॉपिक में से आपका कुछ टेस्ट के रूप में क्वेश्चंस देंगे, ठीक है।